हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ एंड सब्सक्राइब टू अ चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टुडे वी गोना स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल अबाउट कैनवा ऐप दैट वी हैड स्टार्टेड इन द लास्ट क्लासेस वेयर वी हैड डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू एज वेल ओवरव्यू ऑफ कैनवा एंड एज वेल एज वी हैड डिस्कस द फर्स्ट थिंग दैट इज योर रिज्यूमे एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Now we gonna detail about the resume as I told you that we'll discuss in this class. Of course you have to learn that work which has been helpful for you for to earn as well. There are many things in the Canva app that you can of course learn and you can earn as well. So please like, share and subscribe, and as you have supported us, your comments are very important for us. Your appreciation is very important for us. Now this is the CV as you can see here. Okay, this I had told you in the last classes as well. Now coming towards the resume, then we have your CV. So this is your curriculum vitae. This is we have a curriculum vitae, and as you can see, मैं एक किसी का खुल के आपको दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा. So this is a curriculum vitae. If I am going ahead in the detail, so ये आपका blue और आपका attendant CV है जिसमें ये flight attendant है, education इनकी history है and of course their certification as well. Where in site की मैं बात करती हूँ तो site में इनकी short information है with the email, the contact details as well, and that has been represented and it is your Kian Graham. ना कमिंग टूवर्ड्स इसी की तरह अगर हम दूसरी तरह देखते हैं तो ये आपका ओलिविया वेल्सम है, रिचर्ड सांचेस है, इसाबेला है एंड रिच सांचेस एज वेल एज जूलिनिया सिलेविया है. तो मैं एक तरह का आपको ये दूसरी तरह का भी दिखाती हूँ. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है विद देयर मेल्स, एजुकेशन डिज़ाइन है इनका मास्टर डिग्री एंड स्किल्स यू कैन एडिट एज वेल, एंड ये इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया हुआ. और उसके बाद उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में किया है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो भी है. उसके साथ साथ यहाँ पे साइड में आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो कि कितने टाइम पर आपने क्या क्या किया है, कहाँ पर इनको लैंग्वेजेस जो आती है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है. ऐसे ही आप भी अपना लिख सकते हो, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, उर्दू है और एनी थिंग एल्स दैट यू नो वेरी वेल. इसमें हम बात करते हैं तो दूसरे केस में, तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं एज यू कैन सी. एंड नाउ वी गोना डिस्कस द नेक्स्ट हियर. सो हियर वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन and the next frame that we discussed here. So हम उसमें designs हैं, designs different different तरह के आप designs देख सकते हो यहाँ पर resume के. इस तरह से आप design बना सकते हो, किसी ने ऊपर highlight bold किया है, किसी ने अलग अलग different different forms को किया है. एक इनका समीरा हदीद का भी देख लेते हैं. ये हैं जो ये भी graphic designer हैं, इनकी skills यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये education इनकी लिखी हुई है as well as ये आप इनके लैंग्वेजेस जो हैं और आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज और स्पेनिश और जर्मन जानती हैं, ये एज वेल एज इनका एक्सपीरियंस है कहाँ पे उन्होंने कितना टाइम किया है. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देन यू कैन गो फॉर द एलिमेंट्स एज वेल. यहाँ पे आपको एलिमेंट्स जो मिलेंगे उसमें लाइन है, फ्रेम, फ़ोन, टेबल, लोकेशन, मेल, डॉट, कॉल, सर्कल, बॉर्डर, ईमेल, रेक्टेंगल, बॉक्स, लेंथ, शेप, एरो and your contact, phone icon, location icon, square, home, address, photo, vertical line, straight line, as well as a mail icon and star, circle frame and Instagram. So basically ये इस तरह के आपके graphics के मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत ये stickers भी अभी, मगर CV में अभी stamp पे अब stickers नहीं है, further collaboration के लिए आप use कर सकते हो. यहाँ पे फ़ोटोज़ जो हैं आपके, वीडियोस भी बना सकते हो, हर तरह के आपको सारी चीज़ें, ग्रिड्स हैं, मॉकअप्स हैं, कलेक्शंस हैं, सारी चीज़ें आपको दिखती जाएंगी. अब बात करते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो हर तरह के टेक्स्ट आपको यहाँ देख लो मिल दी जाएंगे. उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हो यहाँ पर, तो आप टेक्स्ट टाइप करके भी आप उसको निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए बोल्ड. ओके, सो बोल्ड में अब ये दिखेगा,
ये सारी चीज़ें देखिए आप बोल्ड में दिख रही हैं। ओके सो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो अभी हमने अभी फ़ोटो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड नहीं किया है। उसके बाद हम ब्रांड है अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इवन दो यू कैन सी दिस ये है तो हम इसमें मान लो रेड कलर से करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लाइन खींची, ये तो एक मैंने सेक्शन हाईलाइट करने के लिए की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो वी कैन यूज़ डिफरेंट डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट्स सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट। अब हमें ड्रॉ करना है तो हम सी वी में ऐसा क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सी वी में ऑफकोर्स हम हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, सो वी कैन यू नो हाईलाइट द सी वी एज वेल एज एंड वी कैन इवन द ड्रॉ। सो दे आर आर द प्रोजेक्ट्स जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सारे चीज़ें आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं वो भी इन डिटेल कर सकते हैं। अनटाइटल डिज़ाइंस जो हम बनाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया तो क्रिएट कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइंस की बात करते हैं, लेट्स सी ये सारे डिज़ाइंस आपके हैं। ये तो अभी जस्ट एक नॉर्मल है, आप इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो। यहाँ पे फोल्डर आपका दिखेगा नेक्स्ट पे। सो कमिंग टूवर्ड्स आफ्टर दैट रिज्यूमे, हम रिज्यूमे के अलावा अगर हम बात करते हैं तो वी विल बी गोइंग फॉर द डिटेल हियर इन द होम पेज। अब हम जाते हैं एजुकेशन सेक्शन पे, सो लेट्स गो फॉर द एजुकेशन सेक्शन हियर। इन द एजुकेशन सेक्शन यू कैन सी देयर, ये एक टाइम पे तो नहीं हो पाएगा बट विल डिस्कस इन वन बाय वन। यहाँ एजुकेशन प्रेजेंटेशन है, लेट्स गो फॉर द सेम एजुकेशन सेक्शन में जो आपका प्रेजेंटेशन है यहाँ पे आप एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है दैट इज़ गोइंग टू बी द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी देखो आपको मिल सकते हैं, जो टेम्पलेट्स इन्होंने दिया है ग्रुप प्रोजेक्ट्स है यू नो, इसमें से कोई मैं एक आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। लाइक जस्ट वी आर गोइंग फॉर ओके की टेक है भाई, लेट्स गो फॉर द सेम। सो की टेक अवे में जब आप ये करते हो ये आपके सारे जो शीट्स हैं प्रेजेंटेशन शीट्स हैं इसमें आपको मिल जाएगा। लेट्स प्रेजेंटेशन में हम पहले डिटेल में जाते हैं, तब एजुकेशन प्रेजेंटेशन में ये देखो लेट्स प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो वाइट और पर्पल का बैकग्राउंड है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, इफेक्टिव ओडल है, क्रिएटिव है एंड देन आफ्टर दैट यू हैव मोनोटाइप थीम ब्लैक एंड वाइट का है। तो ये टोटली डिपेंड्स आप किस टाइप का बनाना चाहो वो आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन। एंड ये आपका क्लास पे भी डिपेंड करता है, आप क्लास है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है यू नो, और उसके बाद स्टाइल है, थीम है, फीचर्ड है एंड प्राइस, कलर और सारी चीज़ें जो हैं आपकी। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, क्लास सिलेबस, बुक रिपोर्ट अबाउट, हिस्ट्री, मैथ्स, क्विज, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ड्रॉ यू कैन जस्ट गो अहेड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इन द एजुकेशन यू नो दैट एजुकेशन वीडियो, लेट्स गो फॉर दैट। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वीडियो हियर यू कैन गो अहेड फ्रॉम दिस एज वेल दैट वॉलपेपर, फोन वॉलपेपर है, फोटो कोलाज है, एजुकेशन प्रेजेंटेशन है। नाउ वी गो फॉर द एजुकेशन वीडियोज, या एजुकेशन वीडियो उसमें हम एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन हमने पावर पॉइंट के बारे में बताया था, ये जैसे हमने शॉर्ट हम लोग जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो वेलकम टू माई चैनल, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और रेड एंड ब्लू कम्बल हो सकता है, वाइट एंड ग्रीन हो सकता है, कॉम्बिनेशंस कलर्स हो सकते हैं, सिंपल डिसेंट कलर्स भी हो सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह से बनाना चाहती हो। ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज़ योर इन टर्म्स ऑफ फोटो कोलाज, लेट्स गो फॉर इट। इन द फोटो कोलाज एज यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कोलाज बना सकते हो। हियर इट इज फॉर द ईद मुबारक स्पेल फॉर दैट जर्नी दिन बीइंग एसल्स ब्राउन एंड न्यूट्रल एंड एज वेल एज ब्लैक क्रीम ग्रीन वाइट बाउच
एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल आप बना सकते हो. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट योर यूट्यूब थंबनेल. यूट्यूब थंबनेल के बारे में मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा व्यू दिया था. तो इसमें इस ऐप में ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और उन चीज़ों से सीखने के बाद आप उससे पैसे भी कमा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं आप एज अ यू नो इसको मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी वो आप देखते जाओ और आप अर्न करते जाओ. इट्स लाइक हियर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन. तो ये आपने बोल्ड में लिख दिया तो ये हाईलाइट होगा. उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप ये भी कर सकते हो. इसमें चीज़ें आप बनाओगे. इसमें शर्ट और टी शर्ट्स के बारे में भी है वो चीज़ें मैं बताऊँगी. उसको आप बेच सकते हो सोशल साइट्स पे और उससे आप पैसा भी कमा सकते हो. बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं. लेट्स गो फॉर द अनदर वन. ये अगर करती रहोगे तो आई थिंक ये पूरा टाइम होता ही रहेगा. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि एजुकेशनल पोस्टर. लेट्स गो फॉर द एजुकेशनल पोस्टर हियर. तो ये एजुकेशनल पोस्टर है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती का है. द बॉस्टन टी पार्टी है. रिसर्चर्स हैं. लेट्स गो फॉर द रविंद्रनाथ टैगोर. सी हियर वी गो. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है जयंती दैट इज़ द हाईएस्ट एजुकेशन इन दैट विच डज नॉट मास्टर टू गिव द इंफॉर्मेशन बट मेक्स अ लाइफ इन द हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस. तो बेसिकली ये इनके थॉट है. इस तरह से आप अपना पोस्टर्स बना सकते हो. ये किसी की रिसर्च है. उन्होंने वाइट और ओलिव कलर से बनाई है. एकेडमिक रिसर्च पोस्टर आपको मैं ये बताती हूँ. जैसे एकेडमिक में अगर आप हो तब आपने रिसर्च की है. आप कॉलेज में हो तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाते हो उस पर आप इस तरह का पोस्टर बना सकते हो. डिपेंड अपॉन कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए. लाइक एकेडमिक रिसर्च पोस्टर्स में आप यानी इंट्रोडक्शन किया फिर ऑब्जेक्टिव है देन मेथडोलॉजी किस तरह से किया क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस क्या है करने का ये रिजल्ट आ गया एज वेल एज यहाँ पे एनालिसिस आ गई एंड यहाँ पे कंक्लूशन आ गया. ये इस तरह का चार्ट बना के आप पूरा डेटा कंप्लीट डेटा उनको दे सकते हो. ठीक है. इस तरह से ये आपके पोस्टर्स के बारे में बात आ गई. एक बात कर लेते हैं एक और पोस्टर्स के बारे में. ऐसे तो बहुत सारे हैं लाइक फाइट अगेंस्ट पोचिंग. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स फाइट अगेंस्ट पोचिंग हियर दैट इज़ आल्सो बीन हेल्पफुल फॉर यू. सो फाइट अगेंस्ट पोचिंग दैट इज योर पोचिंग एंडेंजर्स नॉट ओनली द हंटिंग बट पीपल अदर एनिमल इन द इकोसिस्टम एज वेल. दिस इज द प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प इन पोचिंग. सो this is all about your wildlife and this is the wildlife. अगर इस तरह का आपको बनाना है तो आप इस तरह का बना सकते हो. फॉन्ट चेंज कर सकते हो कलर चेंज कर सकते हो ऑफकोर्स. सो दिस इज कम्स अंडर. मैं एक और ले लेती हूँ जो इस तरह का एक और आपका है. इसमें हम बात करते हैं कि एक ग्राफ टाइप को बना लेते कलरफुल. प्रोफेशनल बना तो कलरफुल ले सकते हैं. और उसके बाद हमें कोई पोस्टर में यू नो कोई इनविटेशन देनी है कोई कोई फंक्शन होना है उस तरह से हम बता सकते हैं. यहाँ पे देखो आप ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट है. दिस इज दैट फाइव स्किल्स टू इम्प्रूव योर. सो इट इससे भी बना सकते हैं हम. ऐसे तो बहुत सारे हैं देखो आप. आई कैन जस्ट लेट यू नो अबाउट इट. एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द क्लास रूम. इट्स that is lifelong journey. So that is of course. Here we have a different thoughts as well. यहाँ पर बने हुए भी हैं. अगर आपको ये नहीं चाहिए भी तो आप बना भी सकते हो उसमें. if you have that if you have that capability you can as well you can do this. So आप posters बना के भी उसको sell कर सकते हो earn कर सकते हो. डिफरेंट पोस्टर्स हैं जैसे साइबर सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं. सो दिस इज़ द साइबर सेफ्टी ऑफ कोर्स एंड हियर दिस इज़ अबाउट द रिटन थिंग्स अबाउट द साइबर सेफ्टी हाउ यू कैन सेव. ओके यू कैन प्रिंट एज वेल विद द कैनवा ऐप एज वेल. सो जस्ट वी गो नाउ एंड अप हियर इटसेल्फ सो दैट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास. सो थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन on a comment box. Please like, share and subscribe so that many and maximum people can get the information at once. And then you can also enjoy the video as well.